हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन खसखस एंड खस। ये दोनों ही एक दूसरे से भिन्न जड़ी और मसाले के रूप में उपयोग में किए जाने वाले तत्व हैं, तो चलिए आज इनके विषय में जाना जाए। आज सबसे पहले ये खसखस, ये छोटे छोटे दाने जिनको पोस्तो या पोस्तो दाना के नाम से भी जाना जाता है, इसको अंग्रेजी में पॉपी सीड्स कहते हैं। पॉपी सीड्स पेपावर सोमनीफेरम वैज्ञानिक नाम वाले पौधे के बीज हैं। इस पौधे को आम बोलचाल की भाषा में अफीम या ओपियम कहा जाता है और उसी पौधे के इन छोटे छोटे बीजों को अनेकों पकवान में उपयोग में लाया जाता है। इस खसखस को पीस कर अनेकों सूखी और तरी वाली सब्जी में उपयोग करते हैं। बंगाली भोजन पोस्तो इसी तरह की प्रचलित सब्जी है जिसमें आलू, परवल, लौकी इत्यादि को पिसे खसखस के साथ बनाया जाता है। यह खसखस मूलतः एशिया से है जिसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। भारत में यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। खसखस का उपयोग गर्मी के प्रसिद्ध पेय ठंडाई में भी होता है। बहुत सी मिठाइयों पर खसखस को लपेटा भी जाता है। खसखस में अच्छी मात्रा में कैल्शियम और ओमेगा 3 पाए जाते हैं। इसको पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पुराने समय में हैजा, पेचिश और आंतों की बीमारियों के लिए खसखस का उपयोग किया जाता था। खसखस बाजार में हर किराना दुकान पर उपलब्ध है, जिसके 100 ग्राम का मूल्य आजकल 175 रुपए से शुरू हो जाता है। क्योंकि यह एक मसाले की तरह अक्सर उपयोग में लाई जाती है, इसलिए इसके समाप्त होने की अवधि लगभग 12 महीने रहती है। आप इसको हमेशा अच्छे से बंद होने वाले डब्बे में संभाल कर नमी, रोशनी और गर्मी से दूर रखें। आज दूसरा हमारे पास है ये खस। ये देखिए, ये घास जैसी जड़ी, ये मूलतः भारत से ही है। ये खस राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी घाट में उगाई जाती है। भारत के अतिरिक्त ये इंडोनेशिया और हेती में भी पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रिसोपोगन ज़ेज़ानियोइड्स है और इसको अंग्रेजी में वेटिवर और इंडियन काउच ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपके सामने है, ये उसी पौधे की जड़ है। इस खस का उपयोग खाने पीने से ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों और इत्र में किया जाता है। बाजार में जो भी आयुर्वेदिक या हर्बल खस सोप दिखते हैं, उसमें इसी की सुगंध या एसेंशियल ऑयल का उपयोग होता है। खस मिट्टी को एक जगह रोकने में सहायक होता है और इसका उपयोग जानवरों के चारे के रूप में भी किया जाता है। पुराने समय में उत्तर भारत में गर्मियों में इस खस को बंडल बनाकर दरवाजों और खिड़कियों पर टांग कर गीला किया जाता था और जब गर्म हवा इसमें से गुजरती थी तो वह ठंडक और सुगंध प्रदान करती थी। इस तरह के प्रबंध को खस की टाटी कहा जाता था। इस खस का उपयोग आप इस तरह बंडल बनाकर शरीर को रगड़ने वाले स्क्रब की तरह भी कर सकते हैं। आप इस जड़ को छोटा छोटा काट कर पॉपरी में भी उपयोग कर सकते हैं, अर्थात सूखे फूल और पत्तियों के साथ आप इन जड़ों को भी रख सकते हैं। क्योंकि इस खस की सुगंध बहुत ही मनमोहक होती है, गर्मियों का प्रसिद्ध खस शरबत इसी से बनाया जाता है। खस का शरीर पर बहुत ठंडा करने वाला प्रभाव होता है। यह भी पेट संबंधी रोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये खस आपको आयुर्वेदिक जड़ी की दुकान पर ही मिल पाएगा। इसके 50 ग्राम का मूल्य 100 रुपए से शुरू हो जाता है। इसको आप हमेशा अच्छे से बंद होने वाले डब्बे में नमी, गर्मी और रोशनी से दूर संभाल कर रखें। ये खसखस के छोटे छोटे दाने और ये खस की जड़, दोनों का शरीर पर शांतिदायक असर होता है। यह खसखस और खस, इनका नाम ही बस एक जैसा लगता है, परंतु ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी खसखस और खस की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।